24 घंटे पहले तक खबरें थी कि अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो पायलट राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन जयपुर में बीते रविवार रात तेजी से बदले घटनाक्रम ने अब सब कुछ उलट पुलट कर रख दिया है। अब यह भी साफ नहीं है कि कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चुनाव में अशोक गहलोत की दावेदारी होगी या नहीं। इस बीच अशोक गहलोत के करीबी सूत्रों ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने फिलहाल नामांकन टाल दिया है। पहले गहलोत मंगलवार को अपना नामांकन दाखिल करने वाले थे, लेकिन नामांकन की प्रक्रिया जो है वो 30 सितंबर तक चलेगी। आपको बता दें कि गहलोत के करीबी सूत्रों ने अजय माकन के उन आरोपों को भी नकारा है कि विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री की सहमति से बुलाई गई थी। माकन ने सोमवार को विधायकों की शांति धारीवाल के घर पर बैठक बुलाए जाने को अनुशासनहीनता बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के कहने पर ही और उनकी पसंद के स्थान पर बैठक बुलाई गई थी। फिर भी विधायक बैठक में नहीं पहुंचे। अब मुख्यमंत्री के करीबियों ने इसका खंडन किया है। बता दें कि सीएम अशोक गहलोत के करीबियों ने सचिन पायलट पर भी कई आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पायलट करीब 15 दिनों से विधायकों को बुलाकर उन्हें धमका रहे थे। पायलट कोची गए और इस तरह का माहौल बनाया कि वह मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। गहलोत के करीबियों ने विधायकों के इस्तीफे से मुख्यमंत्री का हाथ होने से इनकार किया है। उनका कहना है कि बांध में विधायकों का इस्तीफा देना बताता है कि ये स्वतः हुई घटना है, कोई एजेंडा नहीं। गौरतलब है कि बीते रविवार रात अशोक गहलोत कैंप के 80 से अधिक विधायकों ने स्पीकर सीपी जोशी को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। इनका कहना है कि सचिन पायलट को राजस्थान में मुख्यमंत्री का पद ना दिया जाए, क्योंकि उन्होंने 2 साल पहले कांग्रेस सरकार गिराने की कोशिश की थी। विधायकों ने कुल 3 मांगे रखी हैं पर्यवेक्षकों के सामने, जिसमें एक मांग ये भी थी कि नए मुख्यमंत्री पर फैसला तब हो जब गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए। नए अध्यक्ष को लेकर जब कांग्रेस में ये राय बन रही थी कि अगला अध्यक्ष गांधी परिवार के बाहर से हो, तो संगठन में अनुभव, कद और गांधी परिवार के प्रति वफादारी को पैमाना बनाकर जब नजरें दौड़ाई गई, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहली पसंद बनकर उभरे। कांग्रेस संगठन के मुखिया के रूप में गहलोत की ताजपोशी करके खुद को सहज करना चाहती है, ताकि वंशवाद के आरोपों से पिंड छुड़ा सके। अध्यक्ष बनने को लेकर अशोक गहलोत शुरू में अनिच्छुक दिखे थे, लेकिन बाद फिर उन्होंने मुख्यमंत्री और अध्यक्ष दोनों पदों को संभालने की परोक्ष रूप से पेशकश कर दी। हालांकि एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला याद दिलाने के बाद वह कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए पर्चा दाखिल करने के लिए राजी हो गए, लेकिन सचिन पायलट को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी नहीं देखना चाहते थे। वह राजस्थान के मुख्यमंत्री पद के लिए अपने पसंद के उम्मीदवार चाहते हैं, और इस चक्कर में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए जिस तरह से गहलोत गुट के 82 विधायकों ने रविवार की रात को इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस हाईकमान से टकरा गए, उससे ये तो साफ तौर पर ही स्पष्ट हो गया है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी राजस्थान के मुख्यमंत्री को हल्के में ले रहे थे और पूरा मामला उन्हें नींद से जगाने वाला है। पूरे प्रकरण में अशोक गहलोत सार्वजनिक रूप से कहीं भी नहीं है, लेकिन इसे आसानी से समझा जा सकता है कि इशारों इशारों में उन्होंने गांधी परिवार को अपनी राजनीतिक ताकत का स्वाद चखा दिया है। ऐसे में अब इस बात के भी कयास लग रहे हैं कि अशोक गहलोत हाईकमान के उम्मीदवार के रूप में 28 या 29 सितंबर को कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चुनाव का पर्चा दाखिल करेंगे या नहीं। बता दें कि गहलोत गुट के तेवर ने पार्टी को अजीब स्थिति में डाल दिया है। कांग्रेस अगर उनकी मांग मान करके सचिन पायलट को किनारे लगा देती है और अशोक गहलोत की पसंद का मुख्यमंत्री राजस्थान में बनाती है, तो हाईकमान की हनक के साथ साथ नैतिक सत्ता खत्म हो जाएगी। इसका दूसरा नुकसान यह होगा कि सचिन पायलट अपमानित होने के बाद कांग्रेस से हमेशा के लिए दूरी बना सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो अगले विधानसभा चुनाव से पहले सचिन पायलट भारतीय जनता पार्टी का रुख कर सकते हैं। हालांकि बीजेपी ने साफ किया है कि सचिन पायलट के साथ फिलहाल उसकी कोई बातचीत नहीं चल रही है। एक विकल्प और भी है, सख्त तेवर दिखाते हुए पार्टी बगावत को नजरअंदाज कर देते और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दें।
लेकिन ऐसी स्थिति में संभावना है कि गहलोत खेमा उन्हें सहयोग नहीं देगा और उनके लिए सरकार चलाना आसान भी नहीं होगा। तो दो जो परिस्थितियां हैं वो अब कांग्रेस हाईकमान के हाथों में, अब देखना यह होगा कि इन परिस्थितियों में क्या होता है, क्या अशोक गहलोत की बात हाईकमान मानती है या फिर सचिन पायलट को लेकर के क्या फैसला लेती है, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।